हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंजीनियरिंग फॉर यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे वो हमारे कुछ टॉपिक होंगे भाई। हम रजिस्टर का केस देखेंगे, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एक एसी एनालिसिस होगा, फिर एसी सिग्नल आपको गिवन होगा, उसके लिए हम रेजिस्टर का देखेंगे, उसमें वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होगा, क्या लीड करेंगे, लैग करेंगे, तीनों के केस में ये चीज डिस्कस करेंगे। फिर उसका पावर, एवरेज पावर निकालेंगे, मीन्स एवरेज पावर कितनी होगी। क्लियर? तो ये सारे एक्सप्रेशन हम इस तीनों एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, और पावर आपकी डायग्राम होगी वेव फॉर्म, तो उससे देखेंगे पावर आपकी कंज्यूम हो रही है या डिलीवर हो रही है। क्लियर? ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज अ रेजिस्टर। क्लियर? तो मैं एक सर्किट कंसीडर कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, साइनोसोडियल सप्लाई मैंने गिवन की है, डी टी, मैं यहाँ पे लिखा डी टी, दैट इज बी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास सपोज कोई रजिस्टर है आर, दैट इज आर, और मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई आर। क्लियर पॉइंट? सो अप्लाई केवीएल टू, तो केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस बी एम साइन ओमेगा टी प्लस आई आर टी इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। तो आई आर टी की मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ भाई, आई आर टी इज इक्वल टू, ये चीज इधर जाएगी और आर इसके नीचे आ जाएगा, मीन बी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ भाई पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो मैं बोल सकता हूँ आई आर इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। सपोज दिस इज नंबर वन, और मैं ये बोल सकता हूँ भाई जो आई एम की मेरी वैल्यू होगी That is Bm by R. Clear? इसका मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, क्लियर, तो मेरी जो इसकी पीक वैल्यू है वोल्टेज दैट इज बी एम, और जो करंट की जो वैल्यू आएगी इसकी पीक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ आर। क्लियर पॉइंट? तो अगर मैं दोनों में फेज डिफरेंस देखूं कितना होगा, क्लियर, जे वी साइन ओमेगा टी प्लस जीरो है, जे वी क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस जीरो। अगर मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लूं, That is a reference line. तो मेरा VR कहाँ पे लाई करेगा? साइन थीटा। मान लीजिए मैं सेम फैक्टर पैटर्न लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा cos होगा, यहाँ पे मेरा cos थीटा होगा, और यहाँ पे मेरा साइन थीटा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस cos होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा। क्लियर पॉइंट? तो मैंने रेफरेंस उस लाइन को कंसिडर किया, अगर मैंने ये चारों के चारों कॉम्पोनेंट दिखा दिए तो रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो पॉजिटिव साइन, इसका एंगल कहाँ पे है भाई, यहाँ पे लाई करेगा, ये होगी आपकी बी आर। क्लियर? और इसकी जो पीक वैल्यू होगी दैट इज बी एम। क्लियर पॉइंट? सिमिलरली जो आई एम होगा, आई आर टी होगा, ये इसका भी जो प्लॉट बनेगा वो साइन ओमेगा टी पे बनेगा। क्लियर? लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी बी एम बाई आर, मीन्स इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी कम होगी, दैट इज आई एम। तो एंगल बिटवीन इन इन दीज टू, जो फेज डिफरेंस होएगा वो क्या होगा भाई, जीरो डिग्री। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो फेज डिफरेंस इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वो आपका क्या होगा भाई, जीरो। फेज डिफरेंस आपका जीरो डिग्री होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? अब हम इसके थ्रू निकालना चाह रहे हैं भी एवरेज पावर। क्लियर? लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी वे फॉर्म ड्रॉ कर दूं, वोल्टेज और करंट की क्या हो। अगर मैं वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म की बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू टी देख रहे हैं, क्लियर, ये मेरी वोल्टेज और करंट की कोई भी फंक्शन होगा। क्लियर? तो मेरी जो फर्स्ट डीटी की जो रिलेशन आएगा, वेव फॉर्म आएगी, वो कुछ ऐसी आएगी, साइनोसोडियल वेव फॉर्म, इसकी पीक वैल्यू होगी भाई बी एम और माइनस बी एम। पॉइंट? अगर मैं करंट की वेवफॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, हमें पता है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम आएगा वोल्टेज की वेवफॉर्म से। क्लियर? कहने का मतलब उसे ऐसी नजर आएगी आपको। क्लियर पॉइंट? इसका जो पीक वैल्यू होगी दैट इज बी एम बाई आर, सिमिलरली हियर दैट इज माइनस बी एम बाई आर। क्लियर? सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वोल्टेज एंड करंट आप इजीली देख सकते हो, वेव फॉर्म दोनों की जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये भी जीरो पे खत्म हो रही है, जीरो पे एंड हो रही है, मींस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट इज जीरो, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी टी, दैट इज आई टी आई आर टी. Clear point? So that is the waveform. Now discuss the average power. अगर मैं यहाँ भी बात करूँ, हमें पता है जो power होती है आपकी, वो होती है भाई, अगर मैं power की बात करूँ तो power होती है voltage और current की multiplication. Clear? Suppose ये तीन है, ये तीन से अगर दो होगा R की value तो 1.5 होगा, 3 into 1.5 means आपकी value positive में आ जाएगी. Clear? तो इसी पे ही पावर की एक डायग्राम देख सकते हो आप, तो पॉजिटिव आएगा भाई, ये होगी पॉजिटिव पावर आपकी. क्लियर? तो यहाँ पे करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी क्या आपकी नेगेटिव है. क्लियर? तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर? मींस ये आपकी पावर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. क्लियर? सो ये जो ब्लू कलर की जो वेव फॉर्म है, दैट रिप्रेजेंट द पावर. क्लियर? आप इजीली देख सकते हो आपकी पावर क्या आ रही है भाई, पॉजिटिव आ रही है, दोनों साइकिल में पॉजिटिव आ रही है. ठीक है? तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है भाई, पावर इज कंज्यूम्ड. पॉजिटिव पावर का मतलब होता है पावर क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है सर्किट के अंदर. ठीक है? तो पावर क्या हो रही है भाई, कंज्यूम्ड हो रही है. ठीक है? इसमें थोड़ा सा भी पोर्शन नेगेटिव में नहीं आ रहा, अगर नेगेटिव में आ रहा होता मींस पावर डिलीवर्ड हो रही है, नेगेटिव पावर मींस पावर इज डिलीवर्ड. क्लियर? लेकिन सारी की सारी जितनी भी पावर ये सोर्स से लेगा, रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज, उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो पावर कहलाएगी, और सारी की सारी पावर ये डिसिपेट करेगा अपने अंदर में. क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ हीट. क्लियर पॉइंट? तो इसका मतलब जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट होगा. क्लियर? मींस पैसिव एलिमेंट होगा. क्लियर? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लूं इसका, पीटी का मींस इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ पावर, देन कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर. क्लियर पॉइंट? तो एवरेज पावर इंपॉर्टेंट है भाई. तो इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ पावर देखते हैं, उसका ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं. क्लियर? तो इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ पावर, तो हमें पता है जो पीटी होगा वो होगा बीटी इनटू आईआरटी. क्लियर? रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट होगा. क्लियर? बीटी की वैल्यू है हमारे पास डीएम साइन ओमेगा टी इनटू, मैं टी के साथ ही डिनोट कर रहा हूँ, बीएम साइन टी इनटू आरटी की वैल्यू है भाई अपने को, आईआरटी की वैल्यू जो है हमारे पास, दैट इज आईएम साइन टी. क्लियर पॉइंट? तो मेरे पास ये कुछ ऐसा दिख गया, आई एम डी एम इंटू साइन स्क्वायर टी. क्लियर पॉइंट? मीन्स टी टी की जो वैल्यू आपके पास दिखेगी ये हो जाएगा बी एम आई एम, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस डबल द एंगल बाय 2. क्लियर? 2 को मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ. क्लियर पॉइंट? तो भाई ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा इंस्टेनियस पावर, मीन्स टाइम के साथ जो वेरी कर रही है पावर उसके साथ. क्लियर? और आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी पावर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है भाई, वो आ रही है 2 times द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आपके पास टी था मींस 1 थी, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है भाई, 2 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट और वोल्टेज. क्लियर पॉइंट? तो ये चीज नोट कर लेना, जो आपकी इंस्टेनियस पावर होगी, इंस्टेनियस पावर डबल द फ्रीक्वेंसी देन वोल्टेज और करंट. तो वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशन है उससे आपकी फ्रीक्वेंसी डबल आएगी. क्लियर? और ग्राफ में भी हम देख रहे हैं, ग्राफ में अगर देखा जाए तो मेरा पहले जो टाइम पीरियड था, अगर ये पाई था, ये 2π है, तो मेरा जो टाइम पीरियड है भाई पहले 2π था. क्लियर? टाइम पीरियड का मतलब क्या है, वो वाला टाइम पीरियड जिसके बाद आपकी वेवफॉर्म रिपीट होना स्टार्ट हो जाए. तो मेरी ये तो वेवफॉर्म ऐसी चलती जाएगी, सिमिलरली इस केस में ऐसी चलती जाएगी. क्लियर? तो फंडामेंटल टाइम पीरियड इस केस में 2π था,
क्लियर। लेकिन इस ऊपर वाली वी फॉर्म में आप देख सकते हो आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड जे रह जाएगा भाई, पाई रह जाएगा, जे रह जाएगा टी भाई इस केस में, क्लियर। ऊपर वाली वी फॉर्म जो आपकी ब्लू कलर की है, क्लियर। तो पावर वाली वी फॉर्म में मेरा टी रह जाएगा हाफ, मीन्स टाइम पहले 2π था, 2π से कम होके मेरा पाई रह जाएगा, क्लियर। अगर टाइम पीरियड मेरा हाफ हो गया तो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T और इक्वल टू ही होता है इसका रिलेशन। तो इसका मतलब जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी अगर टाइम पीरियड हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी मेरी डबल हो जाएगी पहले से, क्लियर। तो इसका मतलब जो पावर की फ्रीक्वेंसी होगी ये डबल हो जाएगी, क्लियर। तो जे मेरी पावर होगी भाई, ओवरऑल पावर मेरी किसी भी टाइम के ऊपर, मैं आप कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ ऑन एन एवरेज मेरी कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। ये तो हमें पता चल गया ना जी, पावर कंज्यूम हो रही है इस पॉइंट पे इतनी हो रही है, इस पे ज्यादा 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 फिर कम होना स्टार्ट हो गया, क्लियर। अब मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ भी ऑन एन एवरेज मेरी कितनी पावर कंज्यूम हुई है इस रेजिस्टर में, क्लियर। तो एवरेज वैल्यू आपकी डीसी वैल्यू होती है, मीन्स कहीं ना कहीं लाई करेगी। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, इस एवरेज जो मैंने लाइन यहाँ पे लगाई है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर। तो हम ऑलवेज जो भी हम पावर निकालते हैं वो एवरेज पावर की बात करते हैं, क्लियर। ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द साइकिल मुझे कितनी पावर कंज्यूम हुई है, क्लियर। तो देखते हैं, तो किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, उसके लिए आपको मेरा जो लेक्चर है हाउ टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, उस चीज को पहले देखना, क्लियर। फिर इस टॉपिक पे आना तो ज्यादा इजी रहेगा, क्लियर। तो किसी भी चीज की एवरेज पावर हम निकालते हैं, जैसे पावर पी एवरेज दैट इज नथिंग बट 1/T 0 से T एक्स टी डी टी, यहाँ पे पावर की बात हो रही है, मीन्स पी टी डी टी, समझ रहे पॉइंट। 1/T वेयर टी इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड लाइक दैट, क्लियर। तो 0 से T पी टी डी टी, समझे पॉइंट। सो 1/T 0 से T आपका जो पी टी का फॉर्मूला है वो जहां पे रखेंगे बी एम आई एम बाई 2 1 cos t 2t, क्लियर पॉइंट। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी, और यहां पे आ जाएगा आपका डी टी। आप इजिली देख सकते हो ये बी एम आई एम बाई 2 ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो बी एम आई एम बाई 2 और टी आपका प्रेजेंट है, तो आपका इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा 0 से T इंटू डी टी माइनस 0 से T कॉस 2t डी टी, ठीक है। ये चीज ऐसे आ जाएगी, आप समझ पा रहे हो। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, बी एम आई एम बाई 2t, आई का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0 माइनस कॉस 2t, इसका होता है भाई साइन 2t डिवाइड बाई एंगल की इंटीग्रेशन, और लिमिट पुट करेंगे 0 से T, समझ रहे पॉइंट। और आप इजीली देख सकते हो ये पावर का ग्राफ है, और मेरा जो टाइम पीरियड है इस केस के लिए वो है मेरा पाई, क्लियर। इतने पार्ट का ही आपका पीरियड आएगा, बिकॉज इस टाइम के बाद आपका वेवफॉर्म रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, मींस आपका टाइम पीरियड क्या है पाई, ठीक है। तो आप उसकी जस्ट लिमिट पुट कीजिए, बी एम आई एम 2 टी की जगह पे मैं रखूंगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा माइनस साइन 2t डिवाइड बाय 2, लिमिट होगी आपकी 0 से लेके पाई। अब लिमिट पुट कीजिए, बी एम आई एम डिवाइड बाय 2π दैट इज पाई माइनस, अपर लिमिट रखिए भाई साइन 2π, साइन 2π 0 माइनस साइन 0 0, मींस ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, क्लियर। तो एक चीज नोट करना, चाहे आपके पास साइन हो चाहे कोसाइन हो, ओवरऑल टाइम पीरियड उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है भाई 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है देखिए जरा, आपको पता है आपकी जो साइन की वेव होती है वो सिमेट्रिकल होती है लाइक दैट, क्लियर। एवरेज का मतलब होता है इस इंटीग्रेशन का, सॉरी मतलब होता है एरिया, यहां से यहां तक आपने एरिया कैलकुलेट किया वो पॉजिटिव आएगा, और यहां से यहां एरिया आपने कैलकुलेट किया वो नेगेटिव आएगा, क्लियर। मींस सेम पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, जब इसका सम करोगे एरिया का मतलब क्या है, सम करेंगे हम इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन का मीनिंग समेशन, क्लियर।
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, मीन ओवर अ टाइम पीरियड आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, जीरो। समझ रहे पॉइंट? तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा जीरो। सो पाई माइनस जीरो इज पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो पी एवरेज जो मेरी होगी, पी एवरेज फॉर रेजिस्टर दैट इज बी एम आई एम बाय टू। इस चीज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी एम बाय रूट टू इंटू आई एम बाय रूट टू। व्हाट इज दिस? दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एंड व्हाट इज दिस? दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सो इसका मतलब जो एवरेज पावर होगी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। क्लियर पॉइंट? अगर आपको आ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेट इन केस ऑफ रेजिस्टर और एसी सप्लाई आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को और करंट की आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, देन मल्टीप्लाई बोथ अ फैक्टर, देन वी कैन से दैट इज द एवरेज पावर, कि आपकी वो वाली पावर होगी जो ऑन एन एवरेज आपकी कंज्यूम होती रहेगी। क्लियर? बिकॉज जैसी जैसी आपकी इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ पावर दैट इज चेंज विद टाइम, क्लियर, बट दैट इज द एवरेज पावर, वी विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द वेरिएशन। Clear? Means that is the average power. So average power in case of resistance is BRMS and IRMS. आपने देखा, that is a very important concept. इस पे आपकी जेई वगैरह में एग्जाम आ सकता है और गेट में भी इसकी एप्लीकेशन है। क्लियर? तो आपने इसे बहुत अच्छे से देखना है। क्लियर? तो रजिस्टर के केस में आपने देखा जो आपकी इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डबल हो रही है। क्लियर? और एवरेज पावर क्या होती है, बी आर एम एस आई आर एम एस। क्लियर? और क्या देखा आपने, जो फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट दैट इज जीरो डिग्री। क्लियर? तो नेक्स्ट केस देखते हैं अभी फॉर इंडक्टर।